अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और आप लोगों का स्काई टेक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत ही दिनों से होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अपने फोन के ऊपर कॉल करता है या अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करता है तो वो सोचता है कि मैं अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि आप अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर पाते थे, अब भी आप अपनी फोन कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप ईमो की और व्हाट्सएप की और मैसेंजर की कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने ईमो की, व्हाट्सएप की, मैसेंजर की कोई भी कॉल हो, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, बहुत ही आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब होगा एक थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू। इस ऐप को कैसे चलाना है, इसकी परमिशन को कैसे सेट करना है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी एक छोटा सा स्टेप मिस कर देते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि आपकी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है कैसे स्टार्ट होगी और आप लोग समझेंगे कि वीडियो फेक था। तो इसीलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमसे आने वाली सारी वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सकें। और मैं ले चलता हूं आप लोगों को अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और वहीं आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे आपको अपनी व्हाट्सएप कॉल, ईमो कॉल या फिर मैसेंजर की कॉल को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ईमो और व्हाट्सएप और मैसेंजर की कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्यूब कॉल रिकॉर्डर नाम से एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको सारी परमिशंस को अलाउ करना है। तो ग्रैंड परमिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कॉन्टैक्ट की, माइक की, हर तरह की से परमिशन दे देते हैं। और उसके बाद आप इसे इनेबल ओवरले के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे ऑन कर दीजिए। अब सिर्फ आपकी एक परमिशन बची है जो आपको इसे देना है। तो इनेबल ऐप कनेक्टर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ सबसे नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा क्यूब ACR ऐप कनेक्टर, आपको यहाँ से इसे ऑन कर देना है। जब आप इसे ऑन कर देंगे तभी ये ऐप जो है वो आपके मैसेंजर और ईमो और व्हाट्सएप के ऊपर काम कर पाएगा। तो गॉट इट के ऊपर क्लिक करके इसे यहाँ हर तरह की परमिशन हम अलाउ कर देते हैं। अब क्या होगा कि ये एप्लीकेशन जब भी आप किसी के पास भी कॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन उस कॉल को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिक उसकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह का ये सिंबल आपको यहाँ दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर ये एप्लीकेशन किसी वजह से आपके मोबाइल में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ 3 डॉट के ऊपर जाइए और यहाँ आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं फोर्स इन कॉल मोड का ऑप्शन है, आपको इसे ऑन कर देना है। मैं ऑन करके रखा हुआ पहले से, आपको इसे ऑन कर देना है, आपके में ये बंद होगा। जब आप इसे ऑन कर देंगे तो ये किसी भी कॉल को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और फिर आपकी कॉल आराम से रिकॉर्ड होने लगेगी। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि व्हाट्सएप की कॉल को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल है, व्हाट्सएप को आप ओपन करके किसी भी एक नंबर के ऊपर कॉल करिए और आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और नोटिफिकेशन को ऊपर खींच के आप जब यहाँ देखेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग ये आपको दिख जाएगी कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू है। तो नोटिफिकेशन को आप ऊपर से खींच के ये देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं चालू है। और इसी तरह से जब आप ईमो को ओपन करते हैं और यहाँ पर ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल करते हैं तो ये आपकी ईमो की कॉल को भी डिटेक्ट कर लेता है और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल में कि आपकी ईमो की कॉल भी रिकॉर्डिंग होने लगी है। तो इस तरह से आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें मैसेंजर की कॉल को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल, आप मैसेंजर को ओपन करिए और किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए और आप देख सकते हैं इसने आपकी मैसेंजर की कॉल को भी डिटेक्ट कर लिया है और आपकी मैसेंजर की कॉल भी रिकॉर्डिंग होने लगी है। आप नोटिफिकेशन पैनल में
देख सकते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, यानी आप ईमो, व्हाट्सएप और मैसेंजर कहीं की भी कॉल को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन की किसी भी कॉल को, ईमो की, व्हाट्सएप की या फिर मैसेंजर की कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स, मोबाइल फोन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उस ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमसे आने वाली सारी वीडियोस आप तक के सबसे पहले पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बेहतर ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।